नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भाजपा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सियासी आइकॉन बनाने का फैसला किया है। बहुसंख्यक पसमांदा मुस्लिमों के बीच कलाम को आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए पार्टी मुहिम शुरू करने जा रही है। डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई से लेकर 3 महीने तक उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर तक भाजपा देश भर में सम्मान से उत्थान के लिए स्लोगन के साथ पसमांदा स्नेह सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चों की भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को हुई बैठक में इस बात का फैसला किया गया। मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि ये यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और भोपाल में उसका समापन होगा। भाजपा की स्नेह यात्रा 14 राज्यों में निकाली जाएगी। इन राज्यों में लोकसभा की 63 सीट ऐसी है जहां अल्पसंख्यकों की तादाद 32% से 98% तक है। सिद्दीकी के अनुसार यह यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही केरल के वायनाड में भी निकलेगी। अल्पसंख्यक मोर्चों के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी का कहना है कि गोवा में भी यह यात्रा निकलेगी। हालांकि वहां अल्पसंख्यकों में ईसाई आबादी मुस्लिमों से कहीं ज्यादा है, लेकिन कार्यक्रम चूंकि अल्पसंख्यक मोर्चों का है इसलिए मुस्लिमों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों के बीच भी भाजपा की यात्रा पहुंचेगी।